Very good morning, my dear students. Hope you all are well and fine. My dear students, in the chapter 1, we have learned about introduction of yourself. Now, in chapter 2, we are going to learn so many things and so many facts about our body. Okay? हम अपने शरीर के जो organs हैं उसके बारे में जानेंगे. Now, you can see that in this picture, that this boy is speaking that this is my body, ये मेरा शरीर है. My body has many parts, मेरे शरीर में बहुत सारे organs हैं. I have a head, मेरा एक सिर है. I have a neck, मेरा एक गर्दन भी है. I have a chest, I have a stomach, I have two shoulders, I have two arms, I have two elbows, I have two hands, I have five fingers in each hand, and I have two legs, I have two knees, I have two feet, I have five toes in each foot. The skin covers the whole body. Now you can see that, bachcho, this is our hair. Do you know, ये हमारा जो बाल है ये हमें धूप से ठंड से बचाते हैं. तो यह हमारे शरीर के लिए कितना हेल्पफुल है. और आपको पता है कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं, हम अपने दो प्यारे प्यारे आँखों से हम पूरा दुनिया को देखते हैं. और आपको पता है हमें अपनी आँखों का सुरक्षा करना, आँखों का अच्छे से देखभाल करना चाहिए. प्रतिदिन आँखों के लिए भी बहुत सारे योगा एक्सरसाइजेस होते हैं, उसको करना ज़रूरी है ताकि हमारे आँखें अगर रहेंगी, हमारी रोशनी अगर रहेगी, तभी ना हम ये पूरा दुनिया को देख पाएंगे. आजकल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे मैं देखी हूँ कि हमेशा टीवी में या मोबाइल फ़ोन में टिके रहते हैं, तो ये सब उन लोगों को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए. माई नोज, आपका भी एक नोज़ होगा. और यू नो योर नोज़ हेल्प्स यू टू ब्रीथ. आपको पता है कि आपका नोज आपको किस काम में हेल्पफुल करता है? तो आपका नोज जो है वो आपको हर एक चीज़ को सूंघने के लिए मदद करता है. आप अपना सांस इसी नोज़ के द्वारा लेते हो और सांस छोड़ते भी हो. और नाउ यू कैन सी दैट योर माउथ, माउथ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. जब हम खाना खाएंगे तभी ना हमें पौष्टिकता मिलेगी और तभी जाके हम एनर्जी से काम कर सकते हैं. तो हमारे मुंह के द्वारा हम खाना खाते हैं, ठीक है. वैसे हमारे शरीर के जितने सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सब हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. हम अपने हैंड्स के द्वारा कोई भी चीज़ को उठाते हैं, हम अपने लेग और फुट के सहायता से चल सकते हैं, है ना. तो कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि दिख सकते हैं, ठीक है, उसको एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहा जाता है. और कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग नहीं देख सकते हैं, जो हमारे शरीर के स्किन के अंदर ढका हुआ है, और उसको हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहते हैं. तो आज केवल यह एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में जानकारियाँ आप लोगों को मिली. होप कि बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा. मैं अभी कुछ क्वेश्चंस भी भेजती हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को वो एक्टिविटी सेट पूरा करना होगा. थैंक यू वेरी मच.